पुलिस अफसरों के लाख जतन के बाद भी हर्ष फायरिंग का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। हरदोई जिले के पचदेवरा थाना क्षेत्र में एक शादी समारोह में हुई हर्ष फायरिंग में एक किशोर और एक बुजुर्ग गोली लगने से घायल हो गए। घायलों को CHC शाहबाद लाया गया है और इलाज कर रहे डॉक्टरों के मुताबिक दोनों खतरे से बाहर हैं। ASP दुर्गेश सिंह ने बताया है कि सोमवार की देर शाम को पचदेवरा थाने के उबरीखेड़ा गांव निवासी राम शंकर यादव के घर शादी समारोह था और घर के बाहर उनका भांजा मुन्ना खड़ा हुआ था। इसी बीच वहां काफ़ी संख्या में लोग खड़े हो गए थे। इस बीच मुन्ना ने अपने लाइसेंसी रिवॉल्वर से गोली चला दी, जिससे आसपास में वहीं खड़े 13 वर्षीय उमेश और गांव के ही 50 वर्षीय वेदपाल को गोली लगने से जख्मी हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया। पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। ये थाना पचदेवरा में उबरिया खेड़ा गांव है। यहाँ पे राम शंकर यादव की पुत्री की तिलक और आजाई शादी भी थी। वहाँ पे लोग इकट्ठा थे और वहाँ उनका भांजा जो कि वहाँ शाहजहाँपुर का रहने वाला है, उनका नाम कुन्ना और उसका नाम बादाम सिंह है, इसने अपने लाइसेंसी रिवॉल्वर से फायर किया, जिसमें दो लोगों को चोटें आई हैं। एक अवनीश नाम का लड़का है 13 साल का और दूसरा वेदपाल है जो कि 50 साल के हैं, ये भी उसी गांव के रहने वाले हैं।